जो इनके फैसले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक जुल्म के निजाम को ताकत फराहम करने के लिए है और आवाम को कोई रिलीफ मिले तो उस रिलीफ को जो है कदगन लगाने के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट दरअसल क्या कर रही है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ये जस्टिफाई नहीं कर सकती ना कि भाई आपने क्यों नहीं सजा दी उसे, उसने भी तो कानून को तोड़ा जो अफसर था। बिल्कुल, हम तो शुरू दिन से यही कानून को तोड़ा, आपने उसको कोई सजा नहीं दी। तो उसका तो जब एक अफसर ने कानून के तहत किसी को 45 गज पे जो है 7 मंजिला बिल्डिंग बनाने की इजाजत नहीं दे सकता था वो, उसने दिया, तो इसका मतलब क्या उस अफसर ने कानून तोड़ा ना, तोड़ा तो उस कानून पे सजा नहीं दोगे आप, उसने अहमियत ही नहीं दिया कानून को। और बरतानिया जो बहुत बड़ा चैंपियन बनता है, कनाडा चैंपियन बनता है, वो पूछे तो सही कि तुम यहाँ पर तुम FATF के कानून लगा रहो, तो वहां पर नहीं लगा के पूछते कि तुम जो वहां पाकिस्तान में थे कि जो तुमने पैसे लेकर आ रहे हो। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद जुनेद आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम जो आए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, हमारे पास रेगुलर जो है कराची की आवाम की तरफ से कंप्लेंट्स आ रही हैं और वीडियोस भी आ रही हैं, उनमें से हम कुछ सेलेक्टेड करके जिस तरह रेगुलर हम थोड़े थोड़े हफ्ते से वीडियोस उनकी डालते हैं कि पक्के प्रूफ के साथ हम डालेंगे, देखें ये क्या हो रहा है। पिछले महीनों के अंदर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसले आए वो खास तौर पर एक बिल्डिंग की तरफ ही आए, नस्ला टावर और उसके कुछ गज 120 गज या कुछ स्क्वायर फीट के ऊपर इतना बड़ा नस्ला टावर गिरा दिया गया बिल्कुल। अब जो हमारे पास जो वीडियो है उसके अंदर आप ये देखें कि 45 गज का प्लाट है, उसके ऊपर 7-7 मंजिला बनी हुई है और रेगुलर जो बनी हुई है उसके बाद इलाका मकीनों ने उस कंप्लेंट को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, CM, इलाकाई थाना, SHO सबको कंप्लेनें कर चुके हैं, उसके बावजूद कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्डर वहाँ का ये कहता है कि जहाँ तक तुम जा सकते हो जाओ, आखिरी हद तक तुम चले जाओ। आखिरी हद आपको पता है कि सीधा सीधा हमारा क्या कहते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास भी अगर तुम चले जाओ तो मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। कहाँ है वो अदलिया जो फैसले नस्ला टावर के ऊपर तो दे रही थी, मदीना मस्जिद के ऊपर दे रही थी, पार्क्स के ऊपर वो दे रही थी। आपने वीडियो देखी और देख के अंदाज़ा हो रहा है कि वो कितनी जगह के ऊपर किस तरह वो तामीर हुई हुई और किस तरह कंजेस्टेड गली के अंदर है वो। तो हम तो डॉक्टर साहब से यही कहेंगे कि डॉक्टर साहब कहाँ है वो अदलिया जिसका इंतज़ार आम आवाम कराची की अब भी कर रही है। जुनेद भाई, अगर हम गौर करें और हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान के अंदर एक ट्राइका है, अदलिया, उसके बाद सबसे बड़ी क़ुव्वत और उसके बाद सियासी पार्टियां जो आप कह दें कि हुकूमत की सूरत में आती हैं, और ये पूरा सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली जो है वो एक डिज़ाइन किया हुआ है बरतानवी नौ आबादियाती निज़ाम का। ठीक है, तो ये सब मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और आवाम को दर हकीकत अपने इनके ग़ुलाम बनाने के हवाले से जो रखने के हवाले से अपने ग़ुलाम रखने के हवाले से जो है ये यकसू हैं। और अभी भी इनके निज़ाम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो निज़ाम है वो भी उसी सिस्टम पे है कि अंग्रेज़ 3 महीने के लिए गर्मियां गुजारने के लिए इंग्लैंड जाता था, तो ये यहाँ पे भी अब 3 महीने की छुट्टियाँ करते हैं तो आज तक ये अच्छा। फिर उसके बाद मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि अदालत का क्या हाल है। और बरतानिया कानून कहते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, पाकिस्तान में जो आईन है वो लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जहाँ पर लिखा हुआ आईन है वहाँ जज की लिमिटेशन है, जज सिर्फ और सिर्फ किसी भी जुर्म को परखे के वो जुर्म साबित होता है कि नहीं, जब साबित हो जाए तो लिखे हुए कानून के तहत वो फैसला सुनाएगा, वो कोई रेफरेंस नहीं देगा। अच्छा, किसी किस्म का रेफरेंस नहीं देगा, क्यों? क्योंकि वो अपना फैसला थोड़ी दे रहा है, वो तो कानून लिख का फैसला बता रहा होता जो लिखा हुआ है उसी के मुताबिक। और जहां पर लिखा हुआ कानून ना हो वहां पे किसी को जज बनाया जाए तो वो अपने फैसले की दलील के लिए मुख्तलिफ कोर्ट्स के फैसले बतौर हवाले के पेश करें, रेफरेंस लेता है। तो यहाँ जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है ये बरतानवी निज़ाम की तरह काम करती है, आज तक इन्होंने अपने ही आइन को कभी खुद से पढ़ा ही नहीं। मैं तो मतलब कहता हूँ, कैटेगोरिकली बात कहता हूँ कि जो इनके फैसले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक जुल्म के निज़ाम को ताकत फराहम करने के लिए हैं और आवाम को कोई रिलीफ मिले तो उस रिलीफ को जो है कदगन लगाने के लिए हैं, ख़त्म करो, ख़त्म करो, ये इनका ये सिलसिला यही होता है। तो ये मैंने आपको मिसाल दी
कि अब आप आ जाएं कि खुद सुप्रीम कोर्ट केस में बात कहती रही कि जनाब वो लोक आइन के आर्टिकल 140 ए में जो है वो मुकामी बाख्तियार मुकामी हुकूमत का मामला है, यही है ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट को पता है कि आइन ने जो है जिस तरीके से वफाकी हुकूमत है, वफाकी हुकूमत के नीचे जो है वो सूबाई हुकूमत है, इसी तरीके से सूबाई हुकूमत के नीचे मुकामी हुकूमत होती है, कोई शहरी और देही हुकूमत नहीं होती है। लेकिन चूंकि सारे मिले हुए हैं, आपने देख लिया कि दो धरने बैठे, एक धरने वालों ने क्या किया कि जिससे मुआहदा किया उसी ने जाके उनके इदारे में उनकी जो है मट्टी खराब कर दी मजीद कि भाई ये आप कौन सी, चलो हम आ गए खैर से गली के तौर पर, लेकिन हम तो पहले ये कर चुके थे वो कर चुके थे। दूसरे ने बस अंग्रेजी में एक सफ़े का मुआहदा बना के और अपनी जान छुड़ाई। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि कराची की आवाम मुकम्मल तौर पर इस निज़ाम से मायूस हो चुकी है और ये किसी पर ट्रस्ट, हमने पहले भी कहा था कि कराची के आवाम को निकालने की किसी की पोजीशन नहीं है तो कोई भी नहीं निकाल पाया दोनों में कोई। हाँ, तो वजह यही है, इसका मतलब है कि कराची के लोग अल्लाह जाने किस इनकलाब का इंतजार कर रहे हैं। वो मतलब ऐसी सूरत हाल तो बड़ी खतरनाक होती है ना कि जब जुल्म बढ़ता रहे तो ये जुल्म बढ़ रहा है और लोग जिस अंदाज से आपको वीडियोज बना के भेज रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ कि चलो आप आवाज उठा रहे हैं, तो उससे अंदाजा हो रहा है कि लोगों के अंदर लावा पक रहा है। ज़ाहिर उनकी इंसल्ट हो रही है, वो किसी भी दायरे में जा रहे हैं कोई उनको सुनने को तैयार ही नहीं है, रिश्वत का बाजार गर्म है। तो इस लिहाज से ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है कि जो शहर जलजले के जोन के अंदर है और वहाँ पर इस तरह की इमारतें, ये तो लोगों की जान और माल के साथ जो है खुली दुश्मनी है। वो अपने थोड़े से नफे के लिए कितनी जानों का रिस्क ले रहे हैं उन्हें इस चीज़ का कोई इल्म ही नहीं है। और जहाँ तक आपने कहा कि हमारे व्यूवर्स हमें भेज रहे हैं, तो हम जो मसले उठा रहे हैं हम अपने व्यूवर्स को भी कहते हैं कि भाई हम उठा तो रहे हैं आप, लेकिन उस वक्त आ जाना जब हमें कोई उठाने के लिए आ जाए तो थोड़ा सा आप उस वक्त भी हमारे व्यूवर्स हमारे लिए भी थोड़ी बहुत वीडियो बना के भेज देना कि भाई जो हमारे मसले उठाते थे वो उठ गए। तो पॉसिबिलिटी है ऐसा आजकल हो रहा है, क्योंकि हम जिन अब ये इंक्रोचमेंट है या आप कह लें कि गैर कानूनी जो इमारतें बन रही हैं, इसमें आपके सामने है कि हमारे पास मिसालें हैं कि क्या हुआ है और जिन लोगों ने आवाजें बुलंद की उन्हें गायब हो गए या उन्हें बुला के अब तो ये होता है, तो हमारे लिए दुआ भी करें। और लेकिन अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, तो जज साहब जो सुप्रीम कोर्ट है अब वो कहाँ खड़ी हुई है? आप देखें ना, अभी भी ये इमारत अगर बन जाती है, खुदा ना खास्ता कुछ मसला भी होता है, तो सजा किसको मिलेगी? सर इमारत बन गई, ऐसी इमारतें बन रही हैं, सजा किसको मिलेगी? किसी को भी सजा नहीं मिलेगी। मुझे मैं एक बड़ी अच्छी बात कही आपने, एक मिसाल दूं मैं आपको कि कानून क्या है। एक मिसाल दूं कि आप बाइक चलाते हैं जुनैद भाई, आपको कहा गया कि जब आप सड़क पर बाइक लेकर आएंगे तो आपने हेलमेट पहनना है। बिल्कुल। अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो कहा जाएगा कि आपने कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो सजा के तौर पर वो आपसे कहेंगे कि ये जुर्माना है, ये रकम आप जमा कराएं, ये सजा है आपकी। ठीक है क्योंकि आपने कानून की खिलाफ वर्जी की है। यही काम कि जब करप्ट माफिया लोगों के जानो माल से खेलती है, उनके करप्शन वाजे हो जाती है, इसी कोर्ट में साबित हो जाती है, तो कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उसे सजा नहीं देती। नस्ला की मिसाल है कि नस्ला के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी आपने गलत किया, सुप्रीम कोर्ट ने किसी को सजा नहीं दिया। यहाँ एक बाइक चलाने वालों को सजा कैसे दी जा रही है और ऐसे पकड़ा जाता जैसे वो बटेर नहीं पकड़ते, बटेर बिल्कुल निशाना लगा के नाकाबंदी करके। तो अंदाजा करें कि सुप्रीम कोर्ट दरअसल क्या कर रही है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ये जस्टिफाई नहीं कर सकती ना कि भाई आपने क्यों नहीं सजा दी उसे, उसने भी तो कानून को तोड़ा जो अफसर था। बिल्कुल, हम तो शुरू दिन से यही कह रहे हैं, कानून को तोड़ा, आपने उसको कोई सजा नहीं दी, तो इसका क्या मतलब है कि आप एक खास एजेंडे की तरफ पाकिस्तान को लेके चल रहे हैं और ये 74 सालों से वो एजेंडा वो है जो जिन लोगों ने आपको ये सब कुछ हवाले किया, आप उसी एजेंडे को लेके चल रहे हैं। आवाम के लिए कुछ पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है और आगे भी कुछ नजर नहीं आ रहा। तो डॉक्टर साहब मुझे ये लग रहा है कि आपने शुरू में कहा कि जज साहब वही फैसला सुनाते हैं जो रिटर्न हो, ये जो लिखा हुआ होता है उसी को देख रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, तो ऐसा कोई लिखा हुआ है कि कहीं पे जज नहीं, ऐसी कोई मिसाल है हमारे पास कि जज उन फैसलों को उठाए या रेफरेंस करे, या उनके पास कोई ऐसा फैसला लिखा हुआ हो कि सरकारी अफसरान को भी सजा देनी है या उनको मिल नहीं रहा है? सर बात यही है, आईन में कोई ऐसी चीज नहीं है, कानून में है ना कि आप देखिए, मैं मिसाल देता हूँ कि फला शख्स ने एक बंदे का कत्ल किया,
तो कानून क्या है कि अगर आपने किसी का कत्ल किया है तो आप किस बदले में सजा मौत है। ठीक है, अब कोर्ट में केस गया कि हुकूमत ने कहा कि फला शख्स ने कत्ल किया, कोर्ट कहेगी साबित करो। सही है, हुकूमत के वकील उसने इन्वेस्टिगेशन ने साबित कर दिया, तो जब साबित कर दिया तो जज ने पढ़ के सुनाना है कि आप पर ये जुर्म साबित हो गया है, लिहाजा आपको कानून 302 के तहत सजाए मौत दी जाती है। ठीक है, दिया। तो जब जज के पास केस गया कि जनाब आप ये बिल्डिंग जो है वो नाजायज इलीगल साबित हो गई और इसमें जो ऑर्डर्स ऑफिसर्स की तरफ से दिए गए वो नाजायज थे, तो भाई यहां भी तो वो ऑफिसर नाजायज साबित हो गए। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं कहती कि जिन्होंने ये गैर कानूनी ऑर्डर्स दिए इन सबको जेल में बंद किया जाए, इनके तमाम जो है वो असासा जात की चेकिंग की जाए, इनको जॉब से बर्खास्त किया जाए। खुद से कोर्ट साबित हो गया ना कि जब खुद कोर्ट कह रही है कि इनके जो भी इन्होंने ऑर्डर्स प्लेस किए वो सब नाजायज थे, लेकिन उन्होंने जुर्म किया ना, जिन्होंने कानून तोड़ा। भाई आपने हेलमेट नहीं पहना, कानून तोड़ा, तो जब एक अफसर ने कानून के तहत किसी को 45 गज पे जो है 7 मंजिला बिल्डिंग बनाने की इजाजत नहीं दे सकता था, वो उसने दिया, तो इसका मतलब क्या उस अफसर ने कानून तोड़ा ना, तोड़ा तो उस कानून पे सजा नहीं दोगे आप, उसने अहमियत ही नहीं दी ना कानून को। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अच्छा ठीक है, अगर ये ऐसा हुआ उसके लिए यह है कि अभी आप देखें नस्ला पेश पीपल्स पार्टी हुकूमत ने साफ साफ कह दिया किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, यानी कि खुले आम जो है वो चल रही है बदमाशी कि जिसको जो करना है शहर में करे, इसको बर्बाद करे। अब मैं आपको एक बड़ी अहम मिसाल दूं, मैं फिर वही बार-बार बात कर रहा हूं कि कराची सुनामी के जोन में, और ये सब जानते हैं कि जनाब एक सुनामी जो लोगों ने देखा तो उसके नतीजे में कि जो ये मैंग्रोव्स होते हैं इसको तिमर के जंगलात कहते हैं, ये मैंग्रोव सुनामी की लहरों को रोकने का काम करते हैं। मच्छर कॉलोनी में वो आपके मैंग्रोव के जंगलात हैं। इस हुकूमत ने या केपीटी ने जो है बाकायदा मच्छर कॉलोनी को अपनी जगह बताकर और मैंग्रोव के जंगलात को खत्म करके बाकायदा, ये आप ये वीडियो भी दिखा दें, बल्कि आप इमेज दिखा दें, ये प्रोजेक्ट डिजाइन किया इन्होंने, ठीक है ये देखें, तो इस प्रोजेक्ट में ये खत्म करके ये अपने यानी कि जो कुछ भी मामलात है केपीटी के नाम पर वो कर रहे हैं। अब अंदाजा करें कि कल को जब समुद्री लहरें आती हैं तो क्या होगा कि जितने भी ये लोग हैं यहां पर जो लूट रहे हैं वो अपने तमाम प्रॉपर्टी तमाम जायदाद कहां शिफ्ट कर रहे हैं, बर्तानिया में, कनाडा में, ठीक है, इन मुल्कों में शिफ्ट कर रहे हैं। तो अब और बर्तानिया जो बहुत बड़ा चैंपियन बनता है, कनाडा चैंपियन बनता है, वो पूछे तो सही कि तुम यहां पर तुम FATF के कानून लगा रहो, तो वहां पर नहीं लगा के पूछते कि तुम जो वहां पाकिस्तान में थे कि जो तुमने पैसे लेकर आ रहे हो, तो इन्होंने तो ये कहा कि पाकिस्तान को जितना लूट सकते हो लूटो और हमें लाके दो, मतलब तो वही कर रहे हैं ना, कर्जा भी उन्हीं से ले रहे हैं, हाँ, अपने मुल्क के लिए अपने मुल्क से लौट गए वापस पैसा वही लेके जा रहे हैं, स्टेट बैंक भी इनको दे दिया, सब कुछ दे दिया। तो भाई जुनैद भाई कहने का मकसद ये है कि आप और हम तो वैसे मायूस है ना कि पब्लिक भी बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं है अभी तक, तो ये बहुत खतरनाक बात होती है। कब आएगी पब्लिक? जब वो आएगी तो वो बिल्कुल, वो फ्रांस में था ना कि भाई वो रोटी नहीं मिल रही है तो केक ले लो, फिर वो पब्लिक ने केक दिखा दिया था, तो यही सूरत हाल जो बेचारे ने पॉजिटिव एक बात की थी लेकिन पब्लिक ने फिर चुन चुन के उनके साथ अपने हिसाब किताब किए थे। तो बज़ाहिर हम मायूसी के शिकार तो हैं कि यार शहर वाले भी नहीं उठ रहे अपने हाथ के लिए कुछ भी, लेकिन ये खतरनाक बात है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए, और जिन भाई का ये केस था, जिन मोहल्ले वालों का, एक किसी एक शख्स का केस नहीं है, एक पूरे मोहल्ले की तरफ से ये वीडियो आई थी हमारे को, ये आगे तक हमारा काम था पहुँचाना सुप्रीम कोर्ट, इसको कोई भी हैं अहदेदार जो भी हैं इनको पहुँचाने के वाले, ये बात आगे तक पहुँचाए और इसके ऊपर एक्शन ले, और ये काम तो हो गया है लेकिन जिस तरह नस्ला गिरा इस तरह इसको भी गिराया जाए और इलाके मकीनों और जानों की कीमती जाने उनकी हिफाजत की जाए, ये सारी कीमती जाने। हालांकि इन्होंने एप्लीकेशन में लिखा है कि अगर ये बिल्डिंग गिरती है किसी की भी जान जाती है तो इसकी FIR, तो जो कि FIR आपको पता ही क्या होता है कि मतलब FIR जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और इन सब के खिलाफ, यानी
सुप्रीम कोर्ट ये कहती रही कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी करप्शन कर रही है, कर रही है, लेकिन पूरे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बंद नहीं किया कि इसको बंद करो। हाँ। और आईन के आर्टिकल 140A के तहत जो कि 2001 का निज़ाम था उसको इम्प्लीमेंट करो, ये नहीं किया। तो उसमें क्या होगा, सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी खत्म हो जाएगी? नहीं, वो बिल्डिंग का तो अथॉरिटी जो है हर डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगी। अच्छा, ठीक है, फर्स्ट करो उसको कराची एक डिस्ट्रिक्ट था, अब जब डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगी कोई भी बिल्डिंग ऐसी बनेगी तो आप जाकर डिस्ट्रिक्ट नाजिम के गिरबान को पकड़ सकते हो कि भाई ये कैसे बना रहे हो, मास्टर प्लान डिस्ट्रिक्ट के पास होगा। सही, अभी सही। तो मास्टर प्लान सीएम साहब के पास है, वो आपको मिलेंगे ही नहीं, आप उन तक पहुंच ही नहीं सकते, उन्होंने अपने धंधे करने के लिए लोग बिठा रखे हैं, बड़ी जिम्मेदारी, वो बड़ी जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर, तो ये सिलसिला चल रहा है। तो अच्छा, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि एक मुकदमा हुआ 2013 के, एमक्यूएम ने मुकदमा किया 2013 के लोकल गवर्नमेंट एक्ट पे, जना फला फला शिख जो है, यानी सब के सब अजीब ही, मतलब अपने अपने सिर्फ ना वो मतलब के आ रहे हैं कि शिख जो है ये इस के जनाब जब चाहे सिंध हुकूमत जो है वो लोकल गवर्नमेंट जो है वो सिस्टम लपेट दे, तोड़ दे, ख़त्म कर दे, डिमोलिश कर दे, एक्स वाई ज़ेड। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर का फैसला दिया, जब वो हुकूमत खत्म हो गई, नया ऑर्डिनेंस आ गया, ठीक है, जिसमें उस शिख को ख़त्म कर दिया गया, अब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रही है, तो अब अंदाजा करो, तो भाई मुराद अली शाह ने हंसना ही है, और क्या हो? उसने हंसना ही है, तो इसका मतलब ये कि मुराद अली शाह को जो है वो सारे ट्रिक्स पता है यार, ये और अगर मुराद अली शाह के सारे ट्रिक्स पता है इसका मतलब है कि सब कुछ मिली भगत से उन्हें पता। अच्छा, है फिर एक चीज और भी है ना, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, टाइम साई कि सिर्फ साई का मसला नहीं है, मसला तो ये है कि जो शख्स जो है वो खड़े होकर चीखता था कि मैं स्विट्जरलैंड का निज़ाम लाऊंगा, मैंने बरतानिया में, मैं तो दुनिया पाकिस्तान में रहा ही नहीं हूँ, वाकई तो साबित कर दिया। हाँ। उसको कुछ पाकिस्तान का पता ही नहीं है, तो मैं ये करूँगा, उसकी जो है केपी में हुकूमत है, पंजाब में हुकूमत है, उसने वो ये बरतानिया वाला निज़ाम जो है, ये अमेरिका वाला लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है, ये स्विट्जरलैंड वाला लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है, ये उसने पंजाब और केपी में क्यों नहीं नाफिज किया? हम तो सिर्फ पीपल्स पार्टी को बुरा भला कह देते हैं ना, तो चूंकि भाई यहाँ पे जरा कराची में शोर और है, वरना पंजाब में कोई आवाज उठती नहीं है, केपी में नहीं उठती, नहीं उठती, तो वहाँ पीस पार्टी के भी सही है, तुम लोग हमारे पीछे पड़े रहते हो। सही है, तो पूरे पाकिस्तान का मसला है ना यार, ये मसला तो पूरे पाकिस्तान का। तो वही बात है, जब हम एक चीज बहुत कॉमन है, आखिरी बात के बतौर हम तो कहीं निशन नजर नहीं आते, लेकिन झूठ बोलने में हम एक कौम नजर आते हैं। उम्मीद करते हैं जिस मकसद के लिए हमने ये वीडियो बनाई है वो वहाँ तक पहुँच जाए, कोई आवाज़ उठा ले, कोई इसके ऊपर एक्शन ले ले, उन मोहल्ले वालों का कुछ भला हो जाए। तो हमारे व्यूवर्स को हम यही कहेंगे कि इस तरह की वीडियो और मज़ीद हमें भेजें, हम कोशिश करेंगे आवाज़ उठाने की, और आप इसी तरह हमें देखते रहें, कमेंट्स करते रहें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।